इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को पूछे गए क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए 2021 के 500 करंट अफेयर एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज की सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 279 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 ए के अनुसार संविधान संशोधन जीएसटी परिषद के अंदर एंड राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सभी एनालिसिस यहाँ करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और स्पर्धा 2021 में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्रिकेट कोच सरकार तलवार और कबड्डी कोच आशान कुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल पुलिस ने सार्वजनिक निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से नियम से पूछा है तो हम देख ही लेते हैं कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा तर्जनी और अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी पाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 6 अंकों की छलांग लगाते हुए 43वें स्थान से 37वें स्थान पर पहुंच गया है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था गोलीय दर्पण के अपवर्तनांक से संबंधित और एक क्वेश्चन आपका था आवर्त सारणी से संबंधित।